आज की रेसिपी है ड्राई फ्रूट की गुजिया और साथ में देखेंगे न्यू स्टाइल में गुजिया डिज़ाइन। इस दीपावली पे मेरे स्टाइल में गुजिया बना के ज़रूर देखना। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को छान लूँगी। मैदे में ऐड करूँगी 2 चम्मच घी मोयन के लिए। आपको गुजिया घी में तलना होगा तो घी का मोयन डालिए, तेल में तलना होगा तो तेल का मोयन डालिए। थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल के इसका टाइट सा डो तैयार कर लेंगे और आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख देंगे। मैंने लिए 100 ग्राम खारीक, 1 खोबरे का गट, 50 ग्राम बादाम, 4-5 विलायची और थोड़ी किशमिश। आधा कप शक्कर और विलायची को मिक्सर के जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और मिक्सर के जार में डाल देंगे खारीक और ग्रेटेड खोबरा और इसको भी पीस लेंगे और इसको बाउल में निकाल लेंगे। किशमिश भी ऐड कर देंगे और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। गुजिया का ड्राई फ्रूट वाला स्टफिंग तैयार है। आटे को हाथ से मैश करके सॉफ्ट कर लेंगे। जितना आटे को हम मैश करेंगे उतना गुजियों का कलर सफ़ेद आएगा। आटे को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। आधे भाग को मैश करके इसका रोल बना लेंगे। इस तरह रोल बना के लोइया बनाएंगे तो आसानी से बन जाएंगी। अब रोल की सेम साइज़ में लोइया कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, न्यू स्टाइल की गुजिया इस दिवाली पे ज़रूर ट्राई करना और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर भी ज़रूर करना। इसमें से एक लोई लेके इसकी बेल लेंगे पूरी। इस गुजिया के लिए लंबे साइज़ में पूरी बेलना पड़ता है। पूरी को बीच में थोड़ा पतला बेलिए और साइड की किनारे थोड़ी जाड़ी रहने दीजिए। पूरी के आधे भाग में 6-7 कट लगा देंगे और पूरी के आधे भाग में डाल देंगे 2 चम्मच स्टफिंग और साइड में पानी लगा लेंगे और इसको अब पलट के प्रेस करके रोल कर लेंगे इस तरह। अब दोनों किनारों को थोड़ा सा पानी लगा के जॉइंट कर देंगे और इसकी साइज़ गोल कर लेंगे। इस तरह हमारी बढ़िया गुजिया तैयार है। मैं आपको और एक गुजिया बना के दिखाती हूँ। आधी पूरी को 6-7 कट लगा लेंगे और आधे पूरी में भरावन भर देंगे और साइड में पानी लगा के इसको पलट के प्रेस करके रोल बना लेंगे और अब दोनों किनारों को थोड़ा सा पानी लगा के गोल बनाते हुए आपस में जोड़ लेंगे। बढ़िया गुजिया तैयार है। अब इसको 2 घंटे के लिए सूखने देंगे। फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे नए नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू। गुजिया को सुखा के 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको तल लेंगे। गुजिया को लो फ्लेम पर ही तला जाता है। पलट के दूसरे साइड से भी तल लेंगे। अब गुजिया को निकाल लेंगे। वाह, बढ़िया गुजिया तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में वीडियो को लाइक भी करना, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।